प्रणाम साई। राम जी भला करें। आज अचानक मुझे पहले से बेहतर लग रहा है, आप मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए ताकि मेरी बची कुची थकावट भी दूर हो जाए। आज फिर से मेरा परिवार एक हो गया है, अब मैं भी जल्द से स्वस्थ होना चाहती हूँ। असली दवा मन का खुश होना है गोदावरी जी। जब तक आपका मन चिंतित था, मेरा इलाज आपको स्वस्थ नहीं कर पा रहा था। अब आपको दवा की कोई जरूरत नहीं है, आपकी खुशी कुछ ही समय में आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। त्रंबक, चिंतामणि, बहुत पहले मैंने तुम दोनों से भिक्षा में घर के पीछे वाली पड़वी से कुछ लकड़ियां मांगी थी। तुम दोनों ने वो लकड़ियां मुझे अभी तक दी नहीं है। लेकिन उस समय आपने कहा था अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त नहीं थी, मगर अब है। हम अभी लाकर देते हैं साईं। दादा, मुझे माफ करना, ये सारा अनाज आपने बड़ी मेहनत से उगाया था पर उसने सारी फसल खराब कर दी, फिर भी आपने ने नहीं फेंका। बंटवारे से पहले इसे देखकर बहुत खुशी होती थी पर आज बहुत दुख हो रहा है। ये सब मेरी गलती से हुआ ना दादा। जो गांव भर चुके हैं उसे कुरेदने से तकलीफ के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा त्रंबक। हाँ, नुकसान जरूर हुआ है पर उससे हमने सबक सीखा है, वो अनमोल है। फसल का क्या है, वो तो फिर से उग जाएगी। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता। ये सारी बोरियां नहीं कैसे हो गई? तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। हमारा जितना भी अनाज खराब हुआ वो फिर से ठीक हो गया। सच कहूं साईं, ऐसे अनाज के दाने हमने पहले कभी उगाए ही नहीं। ईश्वर हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देता है गंगाधर जी। किसी भी परिवार में स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की एक आदत होनी चाहिए। रिश्तों की सेहत के लिए ये जरूरी है क्योंकि इससे दो लाभ होते हैं, एक तो मन हल्का होता है
और दूसरा हमें एक दूसरे के सुख दुख डर चिंताएं समझने में आसानी होती है। जहां भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त ना किया जाए वहां गलतफहमियों के लिए जगह बनने लगती है और इसके लिए मनुष्य केवल खुद को दोष दे सकता है क्योंकि उसने अपने रिश्ते पर विश्वास नहीं रखा और इसलिए वो खुल के अपने मन की बात कह ना सका या वो परिवार के किसी सदस्य के मन की बात सुन ना सका। दोनों ही चीजें जरूरी है, कह पाना भी और सुन पाना भी। जहां विश्वास होता है वहां इंसान सुनता भी है और कहता भी है और वही रिश्ते फलते हैं। सबका मालिक एक। ओम साई राम, ओम साई राम। आपकी कृपा से मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। आज उसकी शादी है। मैंने वरदक्षिणा में देने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी जोड़ी है। बस वो इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें। मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह बिना परेशानी के हो जाए, बस मेरी यही इच्छा। ओम साई राम। गजानन, वहां क्यों खड़े हो? नाथा, वो बहनी कह रही है कि विनोदनी मौसी को न्योता देना रह गया है। मैं खुद जाता वो, लेकिन बाजार जाके मुझे भाजी खरीदनी है। कोई बात नहीं, न्योता मैं दे आता हूं। जी। बधाई हो नाथा, आज तुम्हारी बेटी की शादी है ना? हाँ भाई, बस उसी की तैयारी में लगा हूं। बेटी की शादी है, जरा संभाल के रहना। क्या मतलब? तुम बहुत भोले हो नाथा। तुम्हारे भाई की आदतों के बारे में कौन नहीं जानता है? उसे शराब और जुए की लत है। गांव में उसने कितने लोगों से पैसा उधार लिया और वो है तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाता रहता है और तुम हो उसकी खामियों को नजरअंदाज करते रहते हो। देखना नाथा, कहीं वो शादी में कुछ गड़बड़ ना कर दे। गजानन जैसा भी है मेरा भाई है और उसे मेरी बेटी लक्ष्मी से बहुत प्यार है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे लक्ष्मी के विवाह में कोई रुकावट आए। और फिर साईं है ना, मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूं। वो भले ही मेरे साथ ना हो लेकिन उनका हाथ सदा मेरे सर पर बना रहता है। मुझे यकीन है कि उनके रहते मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। विलास भाव, चिंताओं में क्यों गिरे? अपना बेटा जब अपने घर के व्यापार से ही पैसा चुराने लगे तो चिंता होगी ना साईं। मैंने रंगे हाथों इसे पकड़ा है घर के तिजोरी से पैसे चुराते हुए। फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है साईं कि मेरा अपना खून इतना नालायक हो सकता है। उज्जवल, तुम्हारे बाबा ने कितनी मेहनत की है इस व्यापार को सफल बनाने में और इसके उत्तराधिकारी तुम ही तो हो, फिर चोरी की जरूरत क्यों पड़ गई? कुछ कहोगे नहीं उज्जवल?
कहेगा भी तो किस मुंह से? इसको इतना पढ़ाया लिखाया, व्यापार सिखाया, इसका धूमधाम से ब्याह भी करवाया, और नतीजा क्या? इसने पहले भी ऐसा किया है? नहीं साई, मैं भी यही सोच के अचंभित हूं साई, क्योंकि आज से पहले इसने कभी ऐसा नहीं किया। तो फिर इस बार चोरी का क्या कारण है, ये समझना तो पड़ेगा। उज्जवल, सच कहने में डरना नहीं चाहिए, डर तो झूठों को लगता है। बाबा, मुझे घूमने फिरने के लिए पैसे चाहिए थे, आप मुझे जो सजा देना चाहें मैं तैयार हूं। जानती है लक्ष्मी, मुझे पता तो था कि एक दिन ये दिन भी आएगा, पर पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। ये देखिए, सारी वरदक्षिणा इसी में सजा कर रखते हैं। ठीक है, मैं अभी वरदक्षिणा का सारा सामान तिजोरी से निकाल के ले आता हूँ। जी बाबा। मेरे कारण आपको इतनी परेशानी हो रही है, आपकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। क्या मैं इतनी भी काबिल नहीं कि लड़के वाले मुझे बिना दहेज अपनाए? नहीं नहीं लक्ष्मी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? वरदक्षिणा तो एक रिवाज है, एक औपचारिकता, शगुन समझ ले, हर ब्याह में दी जाती है। मैंने तो यहीं यहीं रखा था। क्या हो गया बाबू, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? हम बर्बाद हो गए, वरदक्षिणा का सारा सामान चोरी हो गया गजानन। हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया? यहां से कौन चुराएगा भला? अगर वरदक्षिणा नहीं दी गई तो लड़के वाले इसे अपना अपमान समझेंगे, हमारी बेटी की शादी टूट जाएगी। किसी को देखा था यहां से कुछ निकालते हुए? मैं तो सामान लेने बाजार गया था वहीं, और शादी वाला घर है, कितने लोग अंदर बाहर हो रहे हैं, पता नहीं किसने निकाला होगा। साई, आपको तो सबकी चिंता रहती है, मेरी बेटी की शादी टूटने से बचा लीजिए साई। साई क्या करेंगे, चोरी हो गई ना, अगर वो चाहते तो ऐसा होने ही नहीं देते, और चाबी भी तो उनकी तस्वीर के पीछे ही रखी थी, इतने सालों की भक्ति का अच्छा फल दिया साई ने आपको। ये तुम क्या कह रही हो उर्मिला? साई,
साई कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। ये जो कुछ भी हुआ है ना, जरूर इसमें साई की कोई ना कोई मंशा छुपी होगी। नाथा आओ आओ, लड़के वाले आ रहे हैं। चोरी करता है, ऊपर से अकड़ दिखाता है, कोई शर्मिंदगी नहीं है अपने किए पर? विलास भाव, आपको लगता है आपके बेटे ने सच बोला है? नहीं, असली वजह कुछ और है, और पिता होने के नाते क्या आपको गुस्सा भूलकर इसके मन को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इसे क्या परेशानी थी जिसके कारण इसने चोरी की? मतलब सच कुछ और है? विलास भाव, कुछ दिन पहले इसकी शादी हुई थी ना? हाँ सही। इसकी पत्नी कहाँ है? मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हें खुद अपने माता पिता को चोरी की वजह बतानी होगी। इन्हें समझना होगा कि इनके बेटे की मानसिकता, इसके ख्याल कितने अनोखे हैं, और तुम ही हो जो अपनी पत्नी का समर्थन कर रहे हो। मैंने पैसे अपनी पत्नी के घर वालों की मदद करने के लिए निकाले थे। पंडित जी रस्म शुरू कीजिए। वरदक्षिणा का सामान ले आइए। हमारा सबसे बड़ा धन तो हमारी बेटी ही है जो हम आपको दे रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन बेटी खाली हाथ नहीं आती। लक्ष्मी आती है तो धन लाती है, और आपके तो बेटी का नाम ही लक्ष्मी है। बाकी सामान ला रही है ना? साई, अपने भक्त की इज्जत रखना। साई ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम।
साई। हमें माफ कर दीजिए, हमें गलत मत समझिए। जितना जमा कर सकते थे हमने सब किया, लेकिन सब चोरी हो गया। इसके लिए रिश्ता मत तोड़िएगा, बल्कि हमें थोड़ा समय और दीजिए, हम और खरीद कर ले आएंगे। देखिए, हम संस्कारों के पक्के हैं, लालची नहीं। अब जितना है उसी में संतोष कर लेंगे। और इतनी भरी तिजोरी के बाद और क्या चाहिए? ओम साई राम। ये देखो उर्मिला, ये साई की ही कृपा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं साई को समझ ही नहीं सकी। कितना उल्टा सीधा कह दिया उनके लिए। पर साई सच में सबके दुख हर लेते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आया। अगर इस चोरी की वजह से मेरी बेटी पे दाग लग गया होता तो मैं तो मर ही जाता। ये तो अच्छा हुआ सामान समय पर मिल गया, पर सोचने वाली बात ये है कि सामान गया कहां था और तिजोरी में से किसने लिया था। मैं हूं वो नालायक जुए और शराब की लालच में मैं अपने भाऊ और भतीजी का जीवन बर्बाद करने चला था। भाऊ भाऊ कभी मुझे माफ मत करना, ताकि ये कर्म हमेशा मेरे सीने में चुपता रहे। मैंने ना केवल आपके साथ बल्कि साई के साथ भी धोखा किया है। उनकी उनकी तस्वीर के पीछे से चाबी निकाल के मैंने चोरी की है भाऊ। जानते हो गजानन, तुमने जो भी किया उसमें साई की ही इच्छा रही होगी, ताकि तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो और तुम सही रास्ते पर चलना सीख सको। और जहां पश्चाताप हो वहां सजा की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम अपनी बुरी आदतों से मुक्त हो जाओ, यही चाहता हूं मैं। आज से जुआ और शराब सब बंद, और कभी लालच हुआ भी तो साई का ध्यान कर लिया करूंगा और कहूंगा मेरे भाव की जैसी मदद की वैसी मदद मेरी कीजिए। क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है, जिसका साई पर अटूट विश्वास हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
आपको दहेज क्यों चाहिए विलास भाऊ? मुझे क्या साई, ये तो पुराना रिवाज है, दहेज तो सब लेते हैं। सबके गलत करने से क्या गलत सही हो जाएगा? दहेज मांगा और नहीं मिला, तो जो आपने किया क्या वो सही है? क्या ये कहीं लिखा है कि दहेज मांगो और नहीं मिला तो बहू के घर वालों को प्रताड़ित करो, उन्हें अपमानित करो, बहू को घर से निकाल दो? अगर लिखा है तो जला दीजिए, जला दीजिए ऐसे कोई भी पृष्ठ जो इंसान को अमानवीय व्यवहार सिखाते हो। हर विवाह में लड़की के माता पिता या उसके अभिभावक अपनी बेटी को अपनी खुशी, अपने प्रेम, अपनी क्षमता अनुसार कुछ भेंट देते हैं, लेकिन वो भेंट सिर्फ बेटी के लिए होती है, उसके सास ससुर या किसी और के लिए नहीं। उस पे नजर लगाना या उसके लिए मन में लोभ आना, ये पाप है। आप अपनी बहू को बेटी बना के लाए घर में, क्या कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा सुलूक करता है? क्या आप अपनी बेटी को अपने जैसे किसी घर में ब्याहना चाहेंगे? हमें माफ कर दीजिए साई, हम अपने बहू से माफी मांगकर उसे वापस लाएंगे साई, और आज तक दहेज के नाम पे जितना भी लिया है वो सब वापस कर देंगे। मुझे माफ कर दो बेटा। माफी मत मांगे बाबा, वरदक्षिणा की रस्म पूरी कर लें। हाँ हाँ, शुभ काम में देरी क्यों, आइए पंडित जी शुरू कीजिए। शुक्रिया साहब। एक बेटी से अनमोल कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए उसे लक्ष्मी कहा जाता है। लेकिन जो लक्ष्मी दे रहा है उसे सबके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बात बात पर मिन्नतें करनी पड़ती हैं। शादी टूटने के ख्याल से वो इतना डर चुका होता है कि लड़के वालों की हर उलझनों अमानवीय मांग को पूरा करने में लग जाता है, क्योंकि दुर्भाग्यवश रिश्ता टूट गया तो दोष तो लड़की को ही दिया जाएगा। ऐसे रिवाजों का समय के साथ साथ खत्म हो जाना ही बेहतर है। ये किसकी आवाज थी? क्या ये सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? कौन था? पर किससे नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं और यहां क्या कहने आया हूं, पर किससे पड़ता है कि तुमने यहां क्या देखा, क्या सुना और उसके बारे में तुम क्या सोचते हो और क्या कहना चाहते हो। गलत हो रहा है ये। क्या गलती हो गई हमसे? गलती तो हमसे होने जा रही थी ससुर जी, फर दक्षिणा लेने वाले थे हम।
और ये गलत है, मुझे ऐसे रिवाज नहीं मानने। मैं विवाह करूंगा लक्ष्मी से तो सिर्फ इसीलिए कि मैं उसका सम्मान करता हूं, उसके गुण उसके संस्कारों के लिए। यही असली वरदक्षिणा है आप सबकी ओर से। बाबा आप मुझ पे भरोसा कीजिए, आपको जो चाहिए मैं वो लाऊंगा आपके लिए, अपनी मेहनत से कमाऊंगा, अपनी ईमानदारी से, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। और नाथा जी आप अपनी लक्ष्मी को केवल आशीर्वाद देकर विदा कीजिएगा। हमारा वादा है आपसे, आपकी बेटी को हमारे घर में कोई कष्ट नहीं होगा। शुक्रिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.